जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। शांति मनुष्य अनादिकाल से अशांत होकर के संसार में सर्वत्र परिभ्रमण कर रहा है। हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त करें या न करें, सबसे पहले हम शांति प्राप्त करें। जिससे हमें शांति प्राप्त होती है, उस प्रकार का कार्य करने का प्रयास करें, तभी हमारा कल्याण होगा और हमारा मनुष्य जीवन सफल और सार्थक होगा। उसके बिना हमारा जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता। मनुष्य होने के बाद भी अनेक समस्याएं रहती है, अनेक प्रकार के कर्म का उदय रहता है। इन सब के बावजूद भी हम सब लोग दिन में एक बार सुबह शाम बैठ करके ओम शांति का उच्चारण करके तनावों से मुक्त होने का प्रयास करें, सहज होने का प्रयास करें, अपने जीवन में सफलता हासिल करने का प्रयास करें। अन्यथा ये सब कुछ यहीं पर छोड़ के चले जाएंगे और हमारा जीवन और निरर्थक होता चला जाएगा। चले हाथ जोड़े सभी मिलकर के मेरे पश्चात ओम शांति का उच्चारण करें। ओम शांति ही शांति ही बोलेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की, अहिंसा में विश्व धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, परम पूज परम तपस्वी राहत संत एकनाथ चिन्मय सागर जी मुनि महाराज की, जंगल जंगल वाले बाबा की। इस जगत में, इस दुनिया में मनुष्य दुख भोग रहा है। किसके कारण? अपने कारण नहीं, दूसरों के कारण दुख भोग रहा है। अपने पदार्थ के कारण नहीं, पर पदार्थ के कारण यह जीव अनादिकाल से दुख भोगता हुआ आ रहा है। सब कुछ पा लेता है लेकिन दुख को घटा नहीं पाता है। बंधु, दुख के बढ़ने का और दुख के घटने के कारणों को आज का मनुष्य समझना नहीं चाह रहा है। वास्तव में यह सोच के रखा है, यह समझ के रखा है मनुष्य, पर पदार्थ से हमारा दुख घटेगा लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। जैसे जैसे पर पदार्थ से हमारा संबंध बढ़ेगा, वैसे वैसे दुख भी बढ़ेगा। हमें अपने आत्म तत्व को, आत्म पदार्थ को देखने की आवश्यकता है और दुख से मुक्ति के मार्ग को खोजने की आवश्यकता है। 10 लक्षण पर्व में आचार्य ने कहा, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जो और उत्तम सोच, उत्तम सच धर्म, उत्तम संयम धर्म, उत्तम तप, उत्तम त्याग। आज 9 आदि ने 10 लक्षण पर कहा उत्तम आकिंचन्य धर्म है। आकिंचन्य से हम अपने आत्मा में कैसे समाहित हो, जब तक हम अपने मन में जो वस्तु बैठा हुआ है उसको नहीं निकालेंगे तब तक दूसरे वस्तु को हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। एक म्यान होता है, म्यान में यदि तलवार है तो उस तलवार को जब तक नहीं निकाला जा सकता है तब तक दूसरा तलवार नहीं बैठ सकता है। उसी प्रकार एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते हैं। या तो
आत्मकल्याण करने वाला व्यक्ति पर पदार्थ को निकाल लेता है और आत्म पदार्थ को धारण कर लेता है और दुख से मुक्ति का मार्ग को प्रशस्त कर लेता है। लेकिन यह सामान्य संसारी प्राणी क्या कर रहा है, पर पदार्थ को ही मन में धारण करके दुख से मुक्ति का पाने का प्रयास कर रहा है। पर पदार्थ और स्व पदार्थ ये दोनों एक साथ कभी रह नहीं सकते हैं। अब हमको चुनना है क्या करना है। ये जगत जीव और जड़ से निर्मित है। जीव को छोड़ करके जड़ नहीं है, जड़ को छोड़ करके जीव नहीं है। जीव के कारण ही जड़ का चलना प्रारंभ हो गया है। ट्रेन चलता है, घड़ी चलती है, गाड़ी चलती है, जीव के कारण चलती है। जड़ में चलने की क्षमता नहीं है, लेकिन जीव के कारण वह गाड़ी चलती है, घड़ी चलती है। लेकिन याद रखना कि जीव के कारण गाड़ी चल रही है, लेकिन जड़ के कारण जीवन भी चल रहा है। लेकिन ये भी याद रखना, ये दोनों जड़ और जीव के कारण ही इस संसार की संरचना हो रही है। मनुष्य आश्रय और बंध कर लेता है और अपने संसार में परिभ्रमण करता हुआ आ रहा है। किसके कारण? जड़ के कारण। लेकिन कभी ये नहीं सोच पा रहा है, जड़ चेतन का नहीं हो सकता है, जड़ चेतन का नहीं हो सकता है और चेतन जड़ का नहीं हो सकता है। जब हमारा शरीर ही हमारा नहीं हो सकता है, जड़ चेतन का नहीं हो सकता है, चेतन जड़ का नहीं हो सकता है, जड़ जीव का नहीं हो सकता है, जीव जड़ का नहीं हो सकता है। जीव अलग है, जड़ अलग है, ये अकाट्य सत्य है। इसको नहीं समझने के कारण हम संसार में भटक रहे हैं। जड़ को ही अपना माना, जड़ कभी अपना नहीं हो सकता। जड़ चेतन नहीं हो सकता, चेतन जड़ नहीं हो सकता, जड़ का चेतन नहीं हो सकता, चेतन का जड़ नहीं हो सकता। अकाट सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन फिर भी हम लोग जड़ को ही हम अपना मान के बैठे हैं, अपने को ही जड़ का मान के बैठे हैं। मकान किसका है? मेरा है। मकान किसका है? मेरा है कहते हैं। इतना ही नहीं, दुकान किसकी है? मेरी है। और ये पत्नी कौन की है? मेरी है। और अनेक प्रकार के, या तो जड़ के माध्यम से अपने को पहचान रहा है, या तो जड़ के माध्यम से अपने को पहचान रहा है, या तो जड़ को अपना मान रहा है। लेकिन यह हो नहीं सकता है। यही द्वंद्व हम लोगों के दुख के लिए कारण बना हुआ है। अपने पहचान भी पर के माध्यम से, और पर के माध्यम पहचान भी पर के माध्यम से। यही कारण है हम संसार में दुख भोग रहे हैं। तुम कौन है किससे पूछो, मैं उनका लड़का हूं। किसके माध्यम से जान रहे अपने आप को? उन पिता के माध्यम से अपने आप को पहचान रहे हैं। ये जारी स्थिति, तुम कौन हो? जो हमारे ऊंचा मकान है ना, वो मकान का मालिक हूं मैं। मतलब मकान के माध्यम से आपका परिचय हो रहा है, ड्रेस के माध्यम से आपका परिचय हो रहा है, एड्रेस के माध्यम से आपका परिचय हो रहा है। खुद का परिचय को हम भूल गए। हम अपना परिचय और दूसरों का परिचय पर के माध्यम से कर रहे हैं, इसलिए संसार परिभ्रमण कर रहे हैं, इसलिए परेशान है। जो अपना नहीं हो सकता है तो उसको अपना मानने के कारण हम परेशान है। हाँ, आपको किससे पूछो कि कौन है तुम? ये टोपी वाला, टोपी वाले खड़े हो जाओ, टोपी वाले उबारा। हाँ बगा, बसा 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 कर लो, बसा बसा बसा। म्हणजे आपण काय समजले आहेत? आम्ही टोपी वाले आहेत। आमच्या जीवन जीवाचा परिचय नाही आम्हाला, आम्ही टोपी वाले आहेत। जातीने आपलं ओळख, समाजाने आपलं ओळख, पैशाने आपलं ओळख, कुणापासून कुणाचा ओळख बाबा? तुम्ही टोपीवाले आहेत काय? तुमची धारणा काय आहे? मनुष्याची धारणा काय आहे? आम्ही टोपीवाले आहेत, आम्ही पेंटवाले आहेत, आम्ही सावले आहेत, आम्ही गोरे आहेत, हे सगळं आमच्या
ये आमचा यार लाल साड़ी वाले कहने से महिला खड़ी हो जाती है, पीली साड़ी वाले कहने से, सफेद साड़ी वाले कहने से वो कहीं खड़ी हो जाती है। आज सफेद पहने कल लाल पहनेगी, लेकिन ये आपका परिचय नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने इसी को अपना परिचय मान के बैठे, इसलिए परेशान। जो अपना नहीं है उसको अपना माने, जो अपना नहीं है उसको अपना माने, कितनी बड़ी दुख की बात है। जानने वाला जीव है, समझने वाला जीव है, कल्याण करने वाला जीव है, लेकिन जीव ही अपने आप को जान नहीं रहा। सबको जानता है, अणु परमाणु दुनिया, रशिया, इंडिया, ये वो, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका, लंदन, सब जानते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जानते हैं। यही दुख का कारण है। आचार्य कहते हैं जब तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है तुम्हारा कौन हो सकता है, जब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं है तुम्हारा कौन हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी मनुष्य अज्ञानता के कारण अनादिकाल से इस प्रकार मान्यताओं के कारण पर को अपना मान्य कारण संसार में भटक रहा है। इससे हमें बचना होगा, अन्यथा हमें कोई भी बचा नहीं पाएगा। आज का मनुष्य, आज के छोटे छोटे बच्चों को जो क्या बनना है, मेरे को कलेक्टर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, हाँ मेरे को सीएम बनना है, मेरे को पीएम बनना है, मेरे को शिक्षक बनना है, क्या क्या बोलते रहते हैं, मेरे को धनवान बनना है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मेरे को भगवान बनना है, अच्छे इंसान बनना है, अच्छे इंसान बनना कोई नहीं कहता। हर की ख्वाहिश क्या है, धनवान बनने की है, सुंदर बनने की है, रूपवान बनने की है, लेकिन अपने स्वरूप को समझने की नहीं है, सत्य को समझने की नहीं है। यही संकट का कारण बना है, यही दुख का कारण बना है। बंधु इतना याद रखेंगे, अपने जीवन में सब कुछ बनना चाहता है लेकिन स्वयं को समझने वाला ही सब कुछ बन सकता है। दुनिया को समझने वाला सब कुछ नहीं बन सकता है। जो सबको अपना नहीं मानता वही सब कुछ बन सकता है। जो इन जड़ पदार्थों को, पर पदार्थों को अपना नहीं मानता है वही सब कुछ बन सकता है, वही बुद्धिमान बन सकता है, वही भगवान बन सकता है। जो पर को अपना माना है वह सब कुछ नहीं बन सकता है। और सबको अपना मानता है और अपने को ही खुद को ही खोता जा रहा है। बंधुओं इन बातों को अच्छी तरह से समझेंगे। हाँ, सब कुछ पाना चाहता है, क्या क्या, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, सोना चाहिए, साड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन स्वयं का तत्व नहीं चाहिए, स्वयं नहीं चाहिए। संसारी प्राणी को सब कुछ चाहिए, संसारी प्राणी सब कुछ पाना चाहता है। जो सब कुछ छोड़ देता है वही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। सबको बटोरने वाला सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। जो सबको छोड़ता चला जाता है, सगे संबंधों को छोड़ता है, पापों को छोड़ता है, परिग्रह को छोड़ता है, राग द्वेष को छोड़ता है, मोह माया को छोड़ता है, नशा को छोड़ता है, व्यसनों को छोड़ता है, सबको छोड़ता छोड़ता जाता है, वही क्या बनता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। वही व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है, वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, वही व्यक्ति समाज में सम्मान को प्राप्त कर सकता है। ये सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ छोड़ देना और सब कुछ छोड़ करके भी सब कुछ पाना अकिंचन धर्म है। किसी को अपना ना मान करके भी, अपना किसी को भी न मान करके भी सबका बनना उत्तम अकिंचन धर्म है। उत्तम अकिंचन धर्म क्या है, किसी को भी अपना माना लेकिन सबका बना। सिर्फ अकिंचन्य होकर के ही मनुष्य निज पर का कल्याण कर सकता है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा न...